सब तबला राम राम भाई सारे भाई ने मैं कुछ एयरवॉश मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है भाई। आप जिस तरह देखना लग रहे परीक्षा कराने की कोई जरूरत है नहीं भाई। पलक चौहान रियल नेम है और एवन क्वीन के नाम तो इंस्टाग्राम पर आई डी है भाई। हरियाणा में बैर और भाई विदेश तक की फैन फॉलोइंग है। तो मैडम का सबसे पहला चैनल पर स्वागत करना तो राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी। तो अपनी शुरुआत करा जी, वीडियो बनाने की शुरुआत कहाँ तय हुई? तो मतलब कई बार को आगे लड़की के लिए मतलब लड़की ने अगर हरियाणा में तो बाहर तो देखो बढ़ावा देना, लेकिन हरियाणा में लड़की ने बढ़ावा नहीं दे पाते। तो अपनी वीडियो शुरुआत को करो, सपोर्ट किसने करी आपकी? शैडो। और शुरुआत कैसे हुई आपकी? टिकटॉक। टिकटॉक से। शैडो कौन है तो थोड़ा उसका परिचय कराओ आप। शैडो मेरी सिस्टर है जो मेरा अकाउंट वगैरह सारा वही मैनेज करती है एंड मेरा राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड मतलब जुगरवा बदमाशी वाली फीलिंग आया वैसे ही काम कर रहा है अपना। तो मतलब अपनी पहली वीडियो कौन सी थी जो ऐसी वायरल हुई है फुल ट्रेंड में चली थी? इंस्टा पे याद है अभी, पहले मेरे को याद नहीं आ रहा। तो टिकटॉक की, टिकटॉक की थोड़ा बताओगे टिकटॉक की कितनी जर्नी थी और बैन हुआ तो किसा के लग गया? बहुत, मैं तो रोई भी थी सच में। अच्छा, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई टिकटॉक की आपकी? मैंने मतलब हम लोगों को वेले तो हम वैसे ही थे। अच्छा। वेले तो हम लोगों ने सोचा, हरियाणा वाले तो हुए वैसे कुछ बात हम में भी है। अच्छा, तो शैडो ने बोला कि अपन लोग ट्राई करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं कुछ मतलब फेम टाइप। उसको ना स्टार्टिंग से शौक था कि मॉडलिंग टाइप समथिंग ऐसे कुछ, तो उसने तो करा नहीं, मेरे को फंसा दिया बीच में। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप कैमरे के सामने ज्यादा देखने में, लेकिन शैडो कैमरे के सामने क्यों नहीं आती? उसको पता हो गया, इन्हें ट्रिम करने आप एक बार कैमरे में आ जाओगे बाद में? नहीं, मैं कैमरे में फेस टू फेस नहीं करती। आ जाएगा थोड़ी देर के लिए बाद में चले जाना। ये तो पता लग जाओ ना कि मतलब है। हाँ, कोई है, नहीं आना चाहिए। तो पलक जी, आप जब जाओ कहीं पर बाहर तो कोई फैन मिल जाओ है आपने कि हाँ आपकी वीडियो देखता हूँ अच्छी लगे है, तो कैसा के फील हुआ आपने? बहुत अच्छा। कोई ऐसा फैन हो मतलब जिसने कुछ अटकाई कर दिया आपके लिए आज तक याद हो आपको? जयपुर, अब भी तो जयपुर गई थी मैं, तब का है। तो बताओ कैसे क्या? जयपुर से इतनी दूर तक अजमेर तक मेरे लिए आया था, वो भी रात में, और 2 घंटे बाद रिजॉर्ट के खड़ा रहा कि एक फोटो खिंचवा दो प्लीज। अच्छा, मतलब इतने पागलपन है फैन के लोग मतलब दिलों में। और उसने मेरे को पूरा जयपुर भी घुमाया और वहाँ पे भी घुमाया अजमेर साइड। तो कैसा क्या लगा उसके साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। तो अभी आपके सत्ता पहला दो भाई मैडम के 1 मिलियन फॉलोअर कराओ भाई, थोड़ी कसर रह रही है। एक वह फील ये लगाओ, एक तो नुको है 900 के, एक नो 1 मिलियन। हाँ। तो थोड़ी अलग सी फील आवा है। तो अपने टिकटॉक पे जब बैन हुआ तो कितने कितनी फैमिली थी टिकटॉक? 400K+। अच्छा, 400K+। तब रुका। और आपने, हाँ हमारी बात रह गई थी, इंस्टा पे कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? मिलन की जल्दी है, 2 मिलियन क्रॉस गई थी लाइक्स। अच्छा, वो ट्रेन में बनाई ट्रेन वाली, राइट। अच्छा, तो वो मतलब बताओ कैसे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? तो कैसे? फर्स्ट सॉन्ग का शूट था मेरा। अच्छा, तो हम लोग जा रहे थे, कहाँ गए थे हम लोग? करनाल नहीं, वहाँ गए थे नारनौल। अच्छा, नारनौल, ठीक है, नारनौल ही था, पता नहीं कहाँ था, याद भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो मतलब कैसे क्या फिर वहाँ से आने वक्त बना, इतने वक्त में जाते टाइम तो क्या वैसे क्या दिमाग में आया? खुशी सी थी ना, वो मिलन की जल्दी है, मॉडल वॉडल जो भी था, मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही थी, कौन है, तो याद आ गया ऐसे ही गाना। अच्छा, उसमें बना दी। तो आप जैसे शूट करते हो तो आपके हरियाणा में ही शूट आते हैं? ऑफर तो देखो आपको बाहर से भी आते होंगे, मतलब पंजाब से या बाहर से कहीं भी लगा लो, हरियाणा में ही क्यों करा करो? हरियाणा से हैं भाई हम, अपने उसका नाम रोशन करेंगे ना। अच्छा, आपकी कई बार वीडियो होगा गैंगस्टर टाइप बदमाशी टाइप, तो मतलब के शौक है यू? मुझे शौक है थोड़ा बहुत गैंगस्टर टाइप बनने का। देखिए कल किसी गोड़ी पटके है, मुझे शौक है इस सब चीजों का। अच्छा, तो आगे के बम ब्लास्ट करने वाले हो आप? आगे 1 मिलियन पे ध्यान है अभी तो, बाकी सॉन्ग्स वगैरह तो मैं अभी सोच रही हूँ कि बाद में ही करूँ, थोड़ी और हो जाऊँ बड़ी, अभी तो मैं 16 की हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में वैसे आप? 12th क्लास में। देख लो भाई, 12वीं क्लास की छोरी इतना दुम ठहरी है अपनी हरियाणी भाषा में कहवा दो, मतलब टैलेंट है लेकिन उसने निकाल लो तम बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो सबके अंदर कुछ कुछ है, कोई कोई तो बात है।
तो मतलब वैसे अपनी वो पीछे बात रह गई थी कि आप घर वालों ने नहीं बोला कि क्या वीडियो बना रही है क्या इंस्टाग्राम पे? बहुत बोला था। अच्छा, बहुत बोला था कि पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब फालतू की चीजें हैं, आप भी कर लेगी बाद में, फिर वही है। बट शैडो ने ऑलवेज सपोर्ट करा। अच्छा। कभी कभी मैं रो भी देती हूँ, इतनी अच्छी बहन थी मुझे भगवान ने। अच्छा अच्छा, मतलब गुड फील आवा है। हाँ, बहुत ज्यादा। कई मैनू नहीं यार अपना रिश्तेदारी है जो टिकट नहीं दिया यार दी, मतलब तो अपने ने भी कहा कि जी रिश्तेदारी ने कि क्या लड़की क्या कर रही है, मतलब इन वीडियो बनावा है तो कुछ बात शेयर हो जाए। अभी भी बोलते हैं। अच्छा, अभी भी बोलते हैं रिश्तेदार, तो उनकी तो हमेशा गलती है। अच्छा, मतलब उनका काम है कहना। हाँ, तो मतलब कोई बात हो जाए तो किस तरीके से बोलना है? टोंट मारते हैं। अच्छा, कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देने को बोलो, ये सब चीजें क्यों कर रही है, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता, अपने घर की लड़की है, बाहर वाले क्या बोलेंगे, फलाना ढिमकाना। अच्छा, मतलब ये मतलब टोंट मार रहे कहने का मतलब। तो अपन जो बात कर रहा अपनी सपोर्ट करी शेडो ने, तो आप पे टैटू आप माँ का छपवा रहे हो। हाँ जी। तो यू के रीजन है? बहन के लिए भी तो प्यार होगा थोड़ा। बनवा लूंगी, मैंने सोच रखी है। अच्छा, सोच रखी वो भी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नेक पे। तो एक बार यू मार और दिखा दो इसमें कैमरे में थोड़ा, तो देख ले भाई यू। तो यू के सोची के टैटू छपवा के? प्यार तो देखो दिल में भी हुआ है। हाँ। सबके लिए जो टैटू बनवाने की सोची? मुझे शौक है टैटू एंड पियर्सिंग का। अच्छा, देखो मैंने कान कहाँ पे छिदवा रखा है। जी जी जी, टैटू एंड पियर्सिंग का मेरे को शौक है। अच्छा, मतलब ये मतलब आपका शौक है कि शौक के लिए, मतलब ये बट ये नहीं, ये जो माँ वाला टैटू है मैंने मदर्स डे पे बनवाया था मम्मी के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। गिफ्ट है मतलब। हाँ। अच्छा, तो आप कहीं पे बाहर जाओ, वहाँ कोई फैन मिला है तो अपने मन में नोर है कि यू मेरे साथ फोटो ले होगा, तो कहीं हो कोई फैन मिला लेकिन फोटो नहीं ली हो? हुआ है मेरे साथ। तो वो मोमेंट शेयर हो जाए बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ऑकवर्ड लगता है वो मोमेंट शेयर हो जाओ थोड़ा। अरे नॉर्मल, अगर बाहर जाती हूँ तो एक बार हम लोग गए हुए थे तो तीन चार लड़के थे, मतलब वो देख रहे थे, उन्होंने पूछा आप हेवन क्वीन हो? मैंने बोला नहीं, मेरी ना एक और मेरे जैसी बहन। अच्छा। है वो बनाती है। उनको मेरे पे भरोसा नहीं हुआ कि हाँ यही हेवन क्वीन है, उनको लगा अच्छा, कोई और ही होगी, उन्होंने फोटो मतलब भी नहीं। गुस्से में कह दिया कि आप दे। हाँ, मैंने हो जाता है कभी कभी, छो आ जाता है। अच्छा, छो आ जाओ, छो आ जाते आगरे देख लो भाई। अरे अनविंदी मिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने सॉन्ग आ रहे थे दो तीन पीछे आ भी गए हैं, तो अभी करंट में कौन सा सॉन्ग आ रहा है? बींदनी। बींदनी, तो उसके बारे में बताओ किसने क्या, मॉडल सिंगर? सिंगर है एजे एलेक्स एंड रेणुका पवार, बहुत फेमस सॉन्ग। जी फेमस है। तो मतलब कैसे क्या लगा उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा थोड़ा कैमरा फेस करने का। पहले तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी, कैसे होगा, मेरे को नहीं करना, बिल्कुल अब मजा आ रहा है। तो रेणुका जो रेणुका पवार है जो हाँ। आपकी ही एज की है, तो है? हाँ, उनके साथ मतलब कैसा क्या कितनी क्या बॉन्डिंग रही है आपकी? उनसे मैं मिली नहीं अच्छा, अभी तक मिली नहीं, नहीं। वैसे अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, तो अपने बात करा कि नेक्स्ट टारगेट क्या लेके आ रहे हो जो बम ब्लास्ट होने वाला? बिल्कुल 1 मिलियन। वन क्या अभी बिल्कुल वही ध्यान है 1 मिलियन पे। अच्छा। कहीं यूट्यूब भी नहीं कर रहा हम इसी चक्कर में। तो 1 मिलियन पे फैंस के लिए क्या मतलब क्या गिफ्ट होने वाला? मीटअप रखेंगे। अच्छा, मीटअप रखोगे? कहाँ पे रखोगे वैसे? अभी सोचेंगे, पहले 1 मिलियन तो हो जाए। अच्छा अच्छा भाई, पहला बात तो यह है 1 मिलियन कराओ भाई, मतलब एक एक्साइटमेंट सी हो रही है, मतलब 1 मिलियन आईडी पे शो है। तो अब बात करा अपनी आईडी पे इनसाइट हुआ, देख जावा क्या परसेंट लड़के क्या परसेंट लड़की है, तो अपने आईडी पर कितने परसेंट लड़के लड़की है? सारे लड़के लड़के हैं। वो भी दिल्ली से। भाई तुम भी कर लो यार कुछ है। तुम लाइव कर लेंगे फॉलो। अच्छा, मतलब दिल्ली का यूथ आपने ज्यादा फॉलो करा है, तो कोई घर पर स्पेशल मिलने आए हो? नहीं। अच्छा, कोई नहीं मिलने? अल्लाह, अच्छा नहीं लगता ऐसे घर वालों के सामने। अच्छा, मेरे को थोड़ी हेजिटेशन सी होती है। ठीक ठीक, अजीब। वैसे अगर कोई मिलना चाहे एज ए रिस्पेक्ट एज ए इन्फ्लुएंसर आपसे, मिल लूंगी? तो मतलब बताओ ना कैसे क्या मिलोगे? मिल लूंगी, लोकेशन बता दूंगी। अच्छा, कॉन्टेक्ट कहाँ पे करे? शैडो। अच्छा। अपनी शैडो रानी है। अच्छा, शैडो रानी है। तो भाई शैडो पे जो मैंने लिख रखा है आईडी पे, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। हाँ, और आपने पता लग जाओगे कहाँ पे क्या मिलना है कहाँ पे। तो आपकी बात करे अपनी बहन से प्यार मिल रहा है, तो उसके बारे में उसकी कोई बैड हैबिट? चिल्लाती बहुत है।
मतलब मेरे को वीडियोस नहीं बनानी होती है ना, तो रुला देती है कि तू नहीं बनाएगी ना, तो मैं तेरा ये नहीं कराऊंगी, मैं तेरा वो नहीं कराऊंगी, मम्मी को और बताऊंगी, ऐसे ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेलिंग कह सकते हो। कभी वीडियो बनाते वक्त झगड़ा होगा, नहीं मैं ये बनाऊंगी, वो करेगी, मैं ये नहीं बनाऊंगी? होता है, हमारा होता ही रहता है। अच्छा, ऐसे तो वीडियोस के चक्कर में तो होता ही रहता है, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा घूमती रहती हूँ दोस्तों में, और ये मेरे को फोन करती रहती है, घर आ जा घर आ जा, वीडियो बनानी है। तो मतलब जो आपने यूथ फॉलो करा है, और ज्यादा है तो लड़के ही करे हैं। तो के मैसेज देना चाहोगे? ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करो, 1 मिलियन जल्दी करा दो, मीटअप रखेंगे, फिर सबसे मिलूंगी मैं। अच्छा, तो भाई ये मेरा तो कहना यो ही है भाई, ठीक है, इतना हमारा चैनल सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, हमने कोई मतलब नहीं, इनका मिलियन जरूर करवाओ भाई, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, हम मिले हैं तो हमने पता लग गया, तो इन भी एक्साइटमेंट हो रही है, तो भाई लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते, कमेंट की नुको आके हमने नु पता लग जावे कि हम किस टाइप की वीडियो बनावे, तो क्या कमी है हमारी वीडियो में, तो यही बात तरह दिखानी थी। तो आखिर में मेरे लिए क्या कहना चाहूँगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड इतना प्यारा इंटरव्यू लिया मेरा, बहुत अच्छा लगा, एंड आपको भी 1 मिलियन पे आना है, ढोल बजेंगे तो डांस करेंगे, आप 1 मिलियन पे आएंगे डांस भी करेंगे, सपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट्स मेरे लिए करना, हाँ इनके लिए कमेंट कमेंट जरूर करियो भाई, मारे करियो चाहे ना करियो। अच्छा, तो आप बात, एक सवाल रहेगा, आपकी स्माइल इतनी बड़ी प्यारी कैसे है? मुझे भी नहीं पता ये बात तो। अच्छा, नहीं आपकी फैमिली में नहीं है क्या? मैंने सुना था कि आपकी मम्मी जी की जो स्माइल है वो आपसे रिलेट करती है। हाँ, मैं मम्मी पे ही गई हूँ, देखना मैं दिखाऊंगी आपको फोटो। अच्छा, सेम कब मिला रहे हो फिर? मिलने ना, वो बिजी मीटअप पे मिलेंगे, मीटअप पे मिलेंगे। हाँ, मीटअप पे मिलेंगे। तो भाई यह बात तरह दिखानी थी, चैनल देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।